हेलो दोस्तों, इस समय मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बोलोगना से रिमनी के लिए, और रिमनी से मैं दूसरी बस लेकर सैन मरीनो जाऊँगा। सैन मरीनो इटली में एक छोटी सी कंट्री है, इटली के में बेसिकली वेटिकन के साथ साथ सैन मरीनो और एक कंट्री है। और ये देखिए ट्रेन, बिल्कुल अगर आप इंडिया से ट्रेन देखेंगे तो खाली है, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मेट्रो और शताब्दी का मिला जुला रूप है। दोस्तों रिमनी से चलकर अभी हम सैन मरीनो पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ इटली के कोने पे बसी हुई एक छोटी सी कंट्री सैन मरीनो। तो आज मेरी ये तीसरी कंट्री है यूरोप की, और इसके बाद अगला नंबर शायद ब्रसल्स है। तो आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, और ये बस आ चुकी है। तो अब मैं उतर कर आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। इस टाइम आ गया हूँ सैन मरीनो के बिल्कुल सेंटर गेट पर, मैं आपको पहले एक बार दिखाता हूँ। साथ ही देखिए बस से उतर कर यहाँ बस ने ड्रॉप किया, और उसके बाद आया हूँ ये सेंट्रल सैन मरीनो में अंदर जाने का ये रास्ता है। मैं अभी आपको अंदर लेकर चलता हूँ। सैन मरीनो नॉर्दर्न साइड में इटली के एक छोटी सी कंट्री है, 61 किलोमीटर में कुल फैली हुई है, और इसकी टोटल पॉपुलेशन करीब 33,000 है। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ ये अंदर की तरफ। ये हम आ रहे हैं अंदर सैन मरीनो। ये देखिए मिडेविल काल की ये सिटी, और एकदम देखिए चारों तरफ ये बिल्कुल ओल्ड टाउन की तरह लग रही है। यूरोप का जैसे कि सब सिटी में ओल्ड टाउन होते हैं, तो ये पूरी सिटी ओल्ड टाउन की तरह दिखाई दे रही है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ सैन मरीनो की गलियों में, इटली के नॉर्दर्न साइड में ये कंट्री है। इटली में बेसिकली वेटिकन सिटी और सैन मरीनो दो ये कंट्री, या आप जब इटली आएंगे तो आ सकते हैं। और सैन मरीनो के सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो रिमनी है, लेकिन रिमनी के लिए यूरोप में बहुत कम फ्लाइटें उपलब्ध हैं, तो आप बोलगना आ सकते हैं। बोलगना से ट्रेन से रिमनी, और रिमनी से फिर बस लेकर सैन मरीनो। लगातार चढ़ाई है। ओ वाओ, यहाँ पहुँचे हम सैन मरीनो के सेंट्रल पे। ये देखिए ये इस छोटे से देश की पार्लियामेंट है, देखिए कितनी अच्छी सुंदर सी पार्लियामेंट है। और शायद मैं इन लोगों से जाकर परमिशन लेने का पूछता हूँ कि क्या है। एक्सक्यूज मी, एट 2:00 वी कैन, ओके वेट, दे विल आस्क, दे आर आस्किंग, पूछ रहे हैं, मेबी आफ्टर 2, नॉट बिफोर 2। 2 बजे से पहले हम बाहर नहीं आ सकते, कोई इनके मिनिस्टर या कोई निकल रहे हैं। देखिए तो ये इनकी, मैं आपको ये 2 बजे अगर अंदर आने देंगे तो 2 बजे मैं अंदर आता हूँ। तब तक के लिए आप देखिए बाहर से सैन मरीनो की ये पार्लियामेंट। और एक चीज़ मैंने और यहाँ नोट की है, सैन मरीनो की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन पे ज़्यादातर यूरोप में गाड़ियों पे आई और यूरोपियन यूनियन का फ्लैग होता है, लेकिन और ब्लैक में नंबर लिखे होते हैं, लेकिन सैन मरीनो पे बिल्कुल अलग है। ये बाहर पार्लियामेंट की गाड़ी खड़ी हुई है, मैं इस पर आपको दिखाता हूँ। देखिए रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो का नंबर और ब्लू कलर में नंबर लिखे हुए हैं इसके सिंबल के साथ। ये पार्लियामेंट के पास में खड़ा हुआ हूँ, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। ये देखिए इनकी मेन एक और बिल्डिंग सैन मरीनो की, ये पार्लियामेंट के ऊपर जो बुर्ज है इसके ऊपर देखिए लगे हुए घंटे। और चलिए आगे, मैं आपको अभी इस बेसिलिका के अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए इधर से रास्ता शायद एक्सिट था, बंद हो गया। अभी हम अंदर आ रहे हैं इस बेसिलिका के, सैन मरीनो। ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न इटली के बराबर में सैन मरीनो कंट्री, और इसका मेन बेसिलिका ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस छोटी सी कंट्री में शानदार जो इनकी इमारतें हैं और मध्यकालीन भवन हैं बहुत ही शानदार बने हुए हैं, आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और
लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। चलिए मैं बाहर आपको दोबारा से लेकर चलता हूँ। ये देखिए लाइब्रेरी के ऊपर से, और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेंट्रो टावर सैन मरिनो में। ये जो आप टावर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग सबसे ऊंचे पहाड़ पे बनी हुई है सैन मरिनो में, और पैदल लोग इसके लिए जाते हैं। तो मैं भी अब यहाँ तक जा रहा हूँ और वहाँ पहुँचकर आपको दिखाता हूँ। बाकी आवाज़ आपको थोड़ा सा लो आ रही होगी क्योंकि नीचे से काफ़ी चढ़ाई चढ़कर आना पड़ा। आप ये देखिए, वहाँ से मैं नीचे से यहाँ पर आया हूँ। तो सैन मरिनो का ये लास्ट पॉइंट है, आप देखिए। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। आप सैन मरिनो अगर आते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप रात को रुकने के लिए ना आएं, आप बोलगना आएं। बोलगना से सैन मरिनो की डे ट्रिप करें, एक रात बोलगना में गुजारें और अगले दिन बोलगना से किसी और डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएं। क्योंकि बहुत छोटी सी सिटी, देश या शहर, जो भी आप इसे कहो, बहुत छोटा सा बसा हुआ है और आप आसानी से एक दिन में इसे कवर कर सकते हैं। तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको सैन मरिनो एकदम ऊपर, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस देश का। ये देखिए जिस तरह से हमारे इंडिया में दीवारें और स्मारकों के ऊपर दुकानें थी, यहाँ भी वैसा ही कुछ नज़ारा। और हम आ गए हैं, ये देखिए। मैं लगभग पहुँच ही चुका हूँ सैन मरिनो के दूसरे टावर तक। और अगर यहाँ लंच नहीं हुआ होगा या किसी वजह से बंद नहीं होगा तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये टावर और इसके ऊपर से किस तरह लगता है सैन मरिनो। दोस्तों यहाँ पर भी काम चल रहा है, शायद हम अंदर नहीं जाए। कैन आई गो इनसाइड? नो, शायद ये भी काम चलने की वजह से ये टावर भी क्लोज है। तो खैर कोई बात नहीं, शायद यहाँ पर एक रास्ता मुझे और दिखाई दे रहा है, जो शायद इस पे तीसरा टावर लिखा हुआ है, शायद ये तीसरे टावर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब अभी तक सब क्लोज मिला है तो शायद वो भी क्लोज मिले, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से अब वापस पहले टावर की तरफ चलते हैं। और देखिए कितना भव्य शानदार आपको वो टावर दिखेगा, पहला टावर दिखाता हूँ आपको। मैं इस टाइम दोनों टावर्स के बीच में खड़ा हूँ, ये सेकंड टावर और ये। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नीचे सैन मरिनो सिटी का नज़ारा, और ये देखिए ऊंचाई पे बसा हुआ पहला टावर। कितनी ऊंचाई पे है मैं इस बात का आपको आप अंदाजा लगा पाएंगे। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ सैन मरिनो। चलिए अब आपको अंदर वापस सिटी में लेके चलता हूँ। अब टावर से नीचे आकर मैं वापस ओल्ड टाउन में आ गया हूँ। ये देखिए दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे और सारी सुवनीर शॉप्स। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको इस समय सैन मरिनो से एकदम सारा नज़ारा। ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ, मिडिल काल का बना हुआ ये देश, शहर, आप जो भी इसे कहना चाहें। रात को रुकने के लिए अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपको हॉस्टल में एक व्यक्ति का कम से कम 40 यूरो पे करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है आप बोलगना में रुकें। हालांकि बोलगना में भी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 25 यूरो है, जो कि हॉस्टल के अमूमन प्राइस मेरे लिए जहाँ मैं रुकता हूँ तो 5 से 10 यूरो के बीच होते हैं, तो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ रुकना फिर भी अवॉइड कीजिएगा। देखिए अगेन, ओह, सारी सिटी घूम के वापस पार्लियामेंट की तरफ आ गया हूँ मैं। ये देखिए
पार्लियामेंट से नीचे की तरफ मैं आ रहा हूँ। यहाँ भी सुपरमार्केट और दोनों तरफ ये देखिए सुपरमार्केट। और अब नीचे में आपको दिखाने के लिए ये इनका सेंट्रल है शायद जहाँ पे अभी मैं पहुँचा हूँ। कासा दी रिस्पारा म्यू ये देखिए कासा दी रिस्पारा म्यू और उसके पीछे आपको दिखती हुई पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी। तो अब मैं कासा दी रिस्पारा म्यू में अंदर जाता हूँ देखता हूँ यहाँ पर क्या है। प्लाजिया रिपब्लिको कावा दी बेसल्तिरियो लोजी ओके ये रास्ता पार्लियामेंट को जाता है गाड़ियों के लिए और ये इनका कासा दी रिपब्लिको रिस्पारा म्यू ओके स्टिल लाइफ इन ओके। यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है सैन मरिनो बार एक तरह से बार बना हुआ है ओके। एंड ओके शायद ये बार है तो इसके अंदर जाने का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है तो इस बार को पार करके बार 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 हमारे लिए बार बार होता है और इनके लिए एक ही बार है पीने का। तो ये सामने फाउंटेन है मैं आपको इस फाउंटेन का नज़ारा ये देखिए बहुत सुंदर फाउंटेन ये इनकी पार्लियामेंट इस साइड से आप देखिए। सैन मरिनो के गाड़ियों पे जो नंबर है वो बहुत ही खूबसूरत हल्के स्काई ब्लू कलर में लिखा हुआ है और उनका फ्लैग बना हुआ है। इन्हें ईयू से कोई मतलब ईयू में होंगे लेकिन ईयू से कोई मतलब नहीं दिखता है। तो ये देखिए ये फाउंटेन सैन मरिनो की ये अंतिम महत्वपूर्ण बिल्डिंग थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद मेरा सैन मरिनो का ये ट्रिप यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तब तक आप देखिए ये देखिए एक ये लास्ट बिल्डिंग मैं आपको यहाँ सैन मरिनो से दिखा रहा हूँ और इसी के सामने आप ये देखिए ये ला रिपब्लिका दी सैन मरिनो की बिल्डिंग बिल्कुल इस तरह से पत्थर से बनी हुई है मिट्टी और पत्थर से एकदम पुराने जमाने में कोई आधुनिकता नहीं इन्होंने अपने प्राचीनता को अमीरी में बदल दिया है। तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ से दिखती हुई इनकी बिल्डिंग तो बाकी मिलता हूँ सैन मरिनो के बाद अगली कंट्री से आपको जल्दी ही। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।